फरमाने अजीम आजम अजीज तलबा साथियों का दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इन सागर-ए-इकराम का जिन्होंने मुझे इस पर इस प्रोग्राम से अपनी बात आपके दरमियान रखने का मौका दिया। अजीज सामयिकराम, आज़ादी से पहले हमारा दस्तूर आइन नहीं था क्योंकि अब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब जरूरत थी एक ऐसे दस्तूर आइन की जो भारत की तामीर और तरक्की के लिए इराक में संग मील साबित हो। चुनांचा एक कमेटी तश्कील दी गई जिसके चीज में डॉक्टर राजेंद्र बनाए गए और जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। चुनांचा आइन का नया मसूदा तैयार किया गया। तरमीम और वजाफे और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में नया आइन लागू कर दिया गया। यही वजह कि हम 26 जनवरी को कौमी त्यौहार में जश्नों में जमहूरिया मनाते हैं और जात पात के भेदभाव को मिटा कर एक जगह जमा होकर अपने रहनुमाओं का तैयार करदा दस्तूर आइन की रिश्तेदारी का सबूत प्रायम करते हैं और इस बात का एतराब करते हैं कि आपसी इतिहादों इतफाक और एकता के दरवाजे को हमेशा खुला रखेंगे। अजीज तलबा साथियों का दिल की गहराई से इस्तकबाल करते हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने इन सागर-ए-इकराम का जिन्होंने मुझे इस पर इस प्रोग्राम से अपनी बात आपके दरमियान रखने का मौका दिया। अजीज सामयिकराम, आज़ादी से पहले हमारा दस्तूर आइन नहीं था क्योंकि अब तक अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून चल रहा था। अब जरूरत थी एक ऐसे दस्तूर आइन की जो भारत की तामीर और तरक्की के लिए इराक में संग मील साबित हो। चुनांचा एक कमेटी तश्कील दी गई जिसके चीज में डॉक्टर राजेंद्र बनाए गए और जिसकी सदारत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे। चुनांचा आइन का नया मसूदा तैयार किया गया। तरमीम और वजाफे और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूरे मुल्क में नया आइन लागू कर दिया गया। यही वजह कि हम 26 जनवरी को कौमी त्यौहार में जश्नों में जमहूरिया मनाते हैं और जात पात के भेदभाव को मिटा कर एक जगह जमा होकर अपने